दोस्तों वैदिक गणित के एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं वैदिक गणित के कुछ ऐसे ट्रिक्स जिनका प्रयोग करके हम मल्टीप्लिकेशन को काफी इजी बना सकते हैं। मान लीजिए हमें कुछ ऐसे नंबर्स को मल्टीप्लाई करना हो जिसमें ये नंबर सेम हो और ये जो यूनिट नंबर है इसका सम 10 हो। ऐसे नंबर्स को आप बहुत ही आसानी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कैसे। यहाँ पर ये दो नंबर्स सेम है तो ये होगा 4। अब 4 का नेक्स्ट नंबर क्या है? 5। तो ये 4 × 5 = 20, तो यहाँ पर होगा 20। अब इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 6 × 4 = 24, तो ये 2024 होगा हमारा फाइनल आंसर। अब यहाँ पर है 8। 8 का नेक्स्ट नंबर क्या होगा? 9। तो 8 × 9 = 72 और 1 × 9 = 9, तो इसका आंसर होगा 7209। चलिए एक और एग्जांपल को लेकर हम इस चीज को और भी बेहतर तरीके से समझते हैं। यहाँ पर 7 सेम है तो 7 का नेक्स्ट नंबर होगा 8। अब 7 × 8 = 56, तो ये आंसर आएगा 56 और 8 × 2 = 16, तो ये होगा 5616। ठीक इसी तरीके से इसका आंसर होगा 1221। तो दोस्तों ये थे वो ट्रिक जिनकी मदद से आप उन नंबर्स को इजीली मल्टीप्लाई कर सकते हैं जो इस तरह के पैटर्न में हो। दोस्तों हमारा नेक्स्ट वीडियो जो होगा उसमें हम वैदिक गणित के सभी सूत्र और उपसूत्र से संपर्कित कुछ टॉपिक कवर करने वाले हैं, तो आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा। और वैदिक गणित के और भी वीडियोस के लिए आप हमारे प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हैं। मैं आपको कुछ और भी क्वेश्चंस दे रहा हूँ, आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक करके हमें अपना फीडबैक दे सकते हैं। थैंक यू।